हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से रिक्रूटमेंट आई है। अगर आप यहां पर एज अ टीचर साइंटिस्ट के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। वन बाय वन मैं सारी चीज़ों को समझा दूंगा। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट भी होगा एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू भी कराया जाएगा आपका। अगर आप हमारे साथ इंटरव्यू कोर्स में इनरोल होकर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हो रिगार्डिंग इंटरव्यू। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से रिक्रूटमेंट आई है इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ। महिलाओं के लिए जनरल कैंडिडेट जो भी हैं उनकी मैक्सिमम एज 40 है। जनरल वाले के लिए पीआरटी के लिए जो एज रखी गई है वो 30 है। साथ में ओबीसी एससी एसटी वाले के लिए भी आपको जो है छूट मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का जो है आपको छूट मिलेगा। आगे देख लेते हैं और चीज़ों को ताकि चीज़ें आपके समझ में आ सके। देखिए, 50% हर क्राइटेरिया में आपको आना चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीएड में भी 50% होना ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके रिक्रूटमेंट को देख लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली जो रिक्रूटमेंट है वो है पीजीटी बायो की। मास्टर्स यानी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50%, साथ में बीएड होना ज़रूरी है, याद रखिएगा इस बात को। और 40 ईयर्स से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। आई रिपीट, 40 ईयर्स से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। अगली रिक्रूटमेंट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। इसके लिए आपका एज जो है वो 40 ईयर्स फिर से रखा गया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका जो स्कोर है वो 50% और बीएड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। टीजीटी इंग्लिश की बात करूँ, ग्रेजुएशन में 50%, साथ में बीएड होना ज़रूरी है। और टीजीटी सोशल साइंस की भी रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट आपका 50% के साथ होना ज़रूरी है। बीएड भी होना ज़रूरी है सोशल साइंस के साथ। आगे देख लीजिए, एज जो है 35 ईयर्स रखी गई है टीजीटी के लिए। पीआरटी के लिए देखिए, आपका प्लस टू में इंग्लिश हिंदी मैथ सोशल साइंस वगैरह होना चाहिए, याद रखिएगा। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपने 12 किया है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। सारे लोगों का लगभग होता है, बहुत सारे लोग इंग्लिश को एलिमिनेट कर देते हैं और संस्कृत ले लेते हैं तो उन्हें यहाँ पे डाउट दिक्कत आएगी आगे चलकर। तो खैर, रहने देते हैं इन चीज़ों को। और DLED BEd आपका कुछ भी है, अगर आपने ये इन चीज़ों में किया है आप अप्लाई कर सकते हो। और हिंदी भी आपको आना ज़रूरी है, याद रखिएगा, हिंदी भी आना आपको ज़रूरी है। इंटरव्यू और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें जो यहाँ पे दे दिया गया है, पीआरटी पीजीटी और टीजीटी के लिए जो है 21/3/2022 और 22/3/2022 को जो है टीजीटी इंग्लिश का, टीजीटी सोशल साइंस का और पीआरटी का आपको डेट दे दिया गया है। तो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक मोबाइल नंबर दिखा दूँ ताकि आप चीज़ों को और आसानी से समझ पाओ। यहाँ पे देख लो, 08212402257 पे आप कॉल करके कोई भी आपका डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये रिक्रूटमेंट आई है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल मैसूर से। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूँ, इंटरव्यू की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हो। आरवी पब्लिक स्कूल, KBS, NBS किसी भी इंटरव्यू के लिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है।